हमारे देश में ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी ऐतिहासिक चीजें हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक योद्धाओं को, क्रांतिकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान मिला नहीं। भगत सिंह जी ने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन कांग्रेस की उसी सरकार ने, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भगत सिंह को आतंकवादी तक कहते थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से शहीदों को, क्रांतिकारियों को एक अच्छी जगह दी जा रही है, एक मान सम्मान दिया जा रहा है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 125वें जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रतिमा को इंडिया गेट पर लगवाया, तो ये बात देश के कुछ लोगों को बुरी लग रही है। इसी में जावेद अख्तर भी शामिल है, लेकिन सुनिए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, एक ऐतिहासिक स्थान पर है। यह स्टेचू हमारे देश के लिए उनके अमिट योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। लेकिन अब जावेद अख्तर को यह बात बुरी लगी है। बुरी लगी है मतलब ये जबरदस्ती का बिना मांगे वाला सलाह दे रहे हैं। ये क्या बोलते हैं कि नेताजी के स्टेचू का विचार तो अच्छा है, लेकिन स्टेचू को लेकर पसंद सही नहीं है। सारे दिन स्टेचू के इर्द गिर्द ट्रैफिक चलता रहेगा और स्टेचू का पोज सल्यूट करते हुए दिखाई पड़ रहा है, यह उनकी प्रतिष्ठा के मुताबिक नहीं है। स्टेचू में या तो वो बैठे होने चाहिए या फिर अपने हाथ को हवा में लहराते हुए, जैसे एक नारा लगा रहे हो। अब आप सोचिए, जावेद अख्तर जैसे लोगों को हर चीज में प्रॉब्लम होती है। पहले ये कुछ करते नहीं है और कोई करता है तो इसमें ये कबाब में हड्डी बनने का काम जरूर करते हैं। अब इनका ये कहना है कि नेताजी की जो स्टेचू है वो हाथ दिखाते हुए इस तरह से होनी चाहिए। अब जैसे ये बोल रहे हैं कि नेताजी का स्टेचू जो है सल्यूट कर रहा है, तो ये ट्रैफिक को सल्यूट कर रहा है। तो कल को यही जावेद अख्तर यही बोलते हैं कि भाई नेताजी इस तरह से हाथ किए हुए हैं, इस तरह से उंगलियों का इशारा कर रहे हैं, मतलब ट्रैफिक वालों को बोल रहे हैं कि भाई तुम इधर से निकलो, तुम उधर से निकलो, ये भी तो कहा जा सकता है। और बैठी हुई स्टेचू होती नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की, तो फिर भी ये जावेद अख्तर यही कहते हैं कि बताइए, एक जोशीले इंसान को, एक क्रांतिकारी जिसने देश के लिए इतना लड़ा, उसे इतने आराम वाली पोजीशन में बैठा कर रखा हुआ है मोदी जी ने, ये किसी भी तरह से सही नहीं है। इसे देखकर हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो जावेद अख्तर जैसे लोगों को हर चीज में प्रॉब्लम होती है। इस पर जावेद अख्तर को लोगों ने ट्रोल भी किया है, बहुत सारी बातें भी बोली है। लोगों ने कहा है कि सर, कभी बॉलीवुड में फैले हुए ड्रग्स के बारे में बातें कर लो, कभी नेपोटिज्म के बारे में बात कर लो, कभी हिंदू देवी देवताओं को बॉलीवुड वाले बदनाम करते हैं अपनी वेब सीरीज और फिल्मों के माध्यम से, उनके बारे में भी बात कर लो। किसी ने लिखा कि वो ट्रैफिक को सल्यूट नहीं कर रहे हैं, वो भारत माता को सल्यूट कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी की एक तस्वीर, एक स्टेचू किसी ने शेयर की जो कुछ इस तरह से थी, ऐसे हाथ दिखाते हुए। तो उसके नीचे किसी ने लिखा है कि जावेद जी कि जावेद जी इस स्टेचू को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि इंदिरा गांधी जी टैक्सी रोकने के लिए कह रही हैं। आपकी सोच, आपका नजरिया, आपका जो दृष्टिकोण है, ये महत्वपूर्ण रखता है कि आप किस चीज को किस हिसाब से, किस लिहाज से देखते हैं। तो आपने नेताजी के स्टेचू में गलत चीजों को देखा, आपने वही ज्ञान दे दिया। हमें सही दिखाई पड़ा, हम उसी हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं।